गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग टीचर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर समाप्त कर चुके हैं, आज से सेकेंड सेमेस्टर शुरू कर रहे हैं। कुछ दिनों में जो एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं उन लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट दिए जाएंगे और एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। उसकी तारीख 15 तारीख के बाद आपको बताया जाएगा। सेकंड सेमेस्टर में एलकेजी से लेकर के आठवां क्लास के बच्चे लोगों के लिए जो सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में हो चुका है वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं आएगी, तो इसलिए बच्चे लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस कम कर दिया गया है आपकी सुविधा के लिए। तो आज से जितने भी क्लास पढ़ाई होंगे सिर्फ वे लेसन्स सेकंड सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ामिनेशन में लिया जाएगा, इसलिए बच्चे लोग चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ खबरी सबों के लिए है, अक्टूबर 15 के बाद से स्कूल खुलने की उम्मीद है, वही रौनक फिर से वापस होने की उम्मीद है, इसलिए बच्चे लोग पेरेंट्स बच्चे लोगों का अब से तैयार करना शुरू कर दें। जो स्कूल यूनिफॉर्म, शूज, सॉक्स, कॉपी किताब, पेंसिल, पेन, टाई, बेल्ट सबको तैयार करके रखेंगे। जैसे सरकार के आदेश मिलेगी उसी के अनुसार हम लोग पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। आपके अनुरोध पर फीस में बहुत सारे कटौती हम लोग कर चुके हैं, इसलिए अभी भी जो फर्स्ट सेमेस्टर जो कंप्लीट नहीं किए हैं वो पेरेंट्स बच्चों लोगों के लिए ये सूचना है, आप जल्दी ही आप अपना फीस जमा करके फाइल ले लें और 5 तारीख तक फाइल ले लीजिए, 10 तारीख तक आप अपना एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन में कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए योग्य बनेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ज़रूरी है सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए। ऑनलाइन की पढ़ाई जारी रहेगी, इसलिए बच्चे लोग घर में भी रह कर के पढ़ाई कर सकते हैं। जब आप स्कूल आएंगे सरकार द्वारा दिए गए नियमों को पालन करने की आवश्यकता है। 10 तारीख के बाद बच्चे लोगों के लिए एक कंसेंट फॉर्म दिया जाएगा, माता पिता को बच्चे लोगों के लिए अनुमति देने की आवश्यकता है, सिर्फ वे बच्चे लोग आ पाएंगे स्कूल। जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं आप ऑनलाइन क्लास घर से ही कर सकते हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए पेरेंट्स लोग इन बातों के ऊपर भी ध्यान देंगे और टीचर्स लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं, जो बच्चे लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं जैसे वो फी क्लियर करके आएंगे कृपया आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए प्रयास करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, होप टू सी यू ऑल सून, वेलकम टू सेंट जोसेफ स्कूल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।